Assalamu alaikum, YouTube family. This is Engineer Imtiaz and you are watching my YouTube channel, The Experts Solution. एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे. आज ये आप लोग सोलर इन्वर्टर देख सकते हैं, ये है साको कंपनी का 3 किलोवाट में. इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग के साथ मैं आप लोगों को इसके तमाम तर जो फीचर्स हैं कि इसके साथ सोलर कैपेसिटी आप लोग कितनी लगा सकते हैं, मैक्सिमम पे इसके साथ आप लोग लोड कितना चला सकते हैं, इसके साथ चार्ज कंट्रोलर कितने एम्पेयर्स का आ रहा है, इसकी प्राइस. ये 2021 का मॉडल है, इसमें 3 किलोवाट और 5 किलोवाट दो मॉडल्स अवेलेबल हैं. तो 3 किलोवाट के साथ आप लोग इसके साथ मैक्सिमम लोड कितना चलाएंगे, उसके अलावा सोलर पैनल्स कौन सी रेटिंग के इसके साथ आप लोग लगा सकते हैं, उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के इसके जो कंपेटिटर्स हैं, ये 2021 का मॉडल है तो 2021 के मॉडल में इसके कंपेटिटर्स आजकल मार्केट में कौन कौन से सोलर इन्वर्टर है. ये एक लो बजट जो सोलर इन्वर्टर है, इसके प्राइस में स्पेसिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसकी प्राइस जो है 2021 में कितनी है और आप लोग ये सोलर इन्वर्टर कहाँ से परचेज कर सकते हैं. तो इसके तमाम तर जो पैरामीटर्स हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे. तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ. तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जी व्यूवर्स, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके साथ वारंटी कितनी है और कंपनी ने इसके साथ कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं. तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं हम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक केबल है डाटा लॉगिंग के लिए. अगर आप लोग इसका मतलब कि डाटा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह पे देखना चाहते हैं तो आप इसके जरिए आप देख सकते हैं. उसके अलावा इसमें क्या है, उसके अलावा इसमें ये एक और केबल है, आप लोग देख सकते हैं, ये यूएसबी केबल आप कह सकते हैं इसको. उसके अलावा ये यूजर मैनुअल है, 3 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर है साको कंपनी का. ये यूजर मैनुअल है इसका, इसमें तमाम तर इसकी जो स्पेसिफिकेशंस और इसके अलावा जो इसकी सेटिंग्स वगैरह है आप लोग इसे देख के रख सकते हैं. इन चीजों को अलग कर लेते हैं, इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं हम. जी व्यूअर्स, तो इन्वर्टर आप लोगों के सामने है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी और बाकी सारी चीजें. इसको भी बाहर निकाल लेते हैं और इसके अलावा इसको भी बाहर निकाल लेते हैं वगैरह. जी बिल्कुल, क्वालिटी में वेट की बात की जाए तो इसका वेट अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो 10 kg है, 10 किलो इसका वेट है. तो इधर से बाहर निकाल लेते हैं. इन्वर्टर आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं इन्वर्टर को. बाकी सारी ये साइड पे आप लोगों को इसके साथ डस्ट किट देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि डस्ट किट अगर आपने इसको ओपन इन्वायरमेंट में लगाना है तो ओपन इन्वायरमेंट के लिए डस्ट का मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको डैमेज करती है, आपको बार बार इसकी सफाई भी करना पड़ती है. तो अगर डस्ट किट लगी हुई हो तो आप लोग आसानी यहाँ से खोल के इसको इसके डस्ट वगैरह आसानी से साफ कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह. बाकी कनेक्शंस आप लोगों के सामने हैं, बटन्स आप लोगों के सामने हैं, ये देख सकते हैं इसके बटन्स साको कंपनी के. ये बाकी इसकी एसी और बाकी चार्जिंग वगैरह के जो है फॉल्ट मोड वगैरह की लाइट्स वगैरह हैं ये. तो ये है जी इन्वर्टर, MPPT सोलर इन्वर्टर है ये. इसके जो पैरामीटर्स हैं साइड पर आप लोग देख सकते होंगे कि साइड पर आप लोगों को ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. साइड पे जो है ये ऑन ऑफ बटन है इसका, ये वाला. और यहाँ पे जो है ना इसके तमाम तर जो पैरामीटर्स हैं इसके लिखे हुए हैं कि सारी रेटिंग वगैरह जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा अभी सही कि इसके साथ सोलर कैपेसिटी वगैरह सब चीज़ वगैरह कितनी है. बाकी ये वार्निंग वगैरह का है, ये इसके जो है डस्ट फिल्टर्स हैं. डस्ट फिल्टर के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से इसके तमाम तर
जो इसके ये फैंस हैं दोनों, बाकी ये एसी इन एसी आउट के लिए, ये ब्रेकर है सर्च पावर के लिए है ये, और ये मैक्सिमम 500 वोल्ट के लिए आप इसके साथ मतलब कि पीवी वगैरह अटैच करनी है, सोलर पैनल वगैरह तो यहाँ से करेंगे, बैटरी वगैरह आप लोग यहाँ से इसकी अटैच करेंगे। तो ये इन्वर्टर आप लोग देख सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देख सकते हैं आप लोग, एक अच्छी फिनिशिंग में और एक अच्छी क्वालिटी मुझे लगी है। बाकी क्योंकि इन्वर्टर्स की अनबॉक्सिंग वगैरह भी मैं करता रहा हूँ तो ये चीज़ें मैं लाजमी देखता होता हूँ, तो क्वालिटी के लिहाज से मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है ये। अच्छा तो अभी मैं इस इन्वर्टर की आप लोगों को जो स्पेसिफिकेशंस हैं बाकी बताता हूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशंस कितनी है, सोलर कैपेसिटी इसकी कितनी है, चार्ज कंट्रोलर इसके साथ कितना है, आप लोग मैक्सिमम रेटिंग के कौन सी रेटिंग के जो सोलर पैनल्स हैं आप लोग इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। व्यूवर्स तो अभी इसकी स्पेसिफिकेशन ये 3 किलोवाट का है, 3 kVA और 3000 वॉट्स, मतलब कि 3000 वॉट्स तक का आप मैक्सिमम लोड इससे चला सकते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात की जाए तो -10 से 50 डिग्री सी है। नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात की जाए 240 वोल्ट है। उसके अलावा मैक्सिमम इनपुट करंट 18 एम्पेयर्स, इसको समझ लें इनपुट, ये पीवी इनपुट है बेसिकली, तो पीवी इनपुट की मैं आप लोगों को बता दूं 18 एम्पीयर मीन के इसके साथ आप बड़े पैनल जैसे कि 450 वाट, हाफ कट मोनोपर्क, 500 वाट, 550, 600 वाट तक के आप सोलर पैनल्स इसके साथ बआसानी अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप पीवी 500 वोल्ट डीसी तक आप दे सकते हैं, और ऑपरेटिंग जो होगी इसकी 120 से 450 वोल्ट डीसी है, 450 वोल्ट 120 से 400 मींस के इसके साथ आप लोगों को मिनिमम अगर 250 वोल्ट के अगर आप पैनल लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप लोगों को 6 पैनल्स अगर आप लोग लगा लेंगे तो इसका MPPT ऑन हो जाएगा। मैक्सिमम इनपुट पावर, इस चीज़ को समझ लें, मैक्सिमम इनपुट पावर जो है इसकी 4000 वॉट्स है, मीन के 4000 वॉट्स तक के आप इसके साथ पैनल्स अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी पैरामीटर्स में आप एसी आउटपुट वोल्टेज रेंज 90-80 ये किसी भी इन्वर्टर में नहीं होती। उसके अलावा जो नॉमिनल आउटपुट करंट आप 13 एम्पीयर तक लगते हैं, 50-60 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, और मैक्सिमम पावर आप 3000 वॉट्स तक आप ले सकते हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। बाकी आगे एसी इनपुट की बात है 90-80, 230 और 19.5 एम्पीयर्स है, 50-60 हर्ट्ज है, और ये चूंकि 3 किलोवाट है 24 वोल्ट में है तो इसके साथ आप लोगों को 2 बैटरियां लगानी पड़ेंगी। तो ये थी इसकी तमाम तर जो है स्पेसिफिकेशंस। अब बात कर लेते हैं हम इसकी प्राइस की। जी व्यूवर्स तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, इसकी प्राइस कितनी है और ये इन्वर्टर आप लोग कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस आप लोगों के सामने है, 2021 का मॉडल है, 4000 वाट सोलर कैपेसिटी है, 3000 वाट तक का आप मैक्सिमम इसके साथ लोड चला सकते हैं। तो इसकी जो सोलर कैपेसिटी है, सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो 4000 वाट से तो बड़े पैनल्स भी आप लोग आसानी इसके साथ चला सकते हैं। प्राइस की और कंपेटिटर्स की जहाँ तक बात है तो कंपेटिटर्स अगर आप लोग इसके देख लें 2021 में ये लो बजट सोलर इन्वर्टर है, 2 साल की इसके साथ इसकी वारंटी है जिसमें 1 साल आप लोगों को प्रोडक्ट एंड सर्विस और दूसरे साल आप लोगों को इसकी सर्विस फ्री वारंटी मिलती है। तो इसकी जो प्राइस है, प्राइस की जहां तक इसकी बात की है तो ये आप लोगों को 56,000 में, 56,000 रुपये में आप लोगों को मुझसे मंगवा सकते हैं आप लोग, आपको डिलीवरी भी देंगे इसके साथ। और दूसरी बात ये है कि इस सोलर इन्वर्टर के कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं। कंपेटिटर्स में हम लोग जो डिस्कस करते हैं इसके साथ 80 एम्पीयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। तो कंपेटिटर्स में जहां तक बात की जाए तो कंपेटिटर्स में आप इन्वरेक्स भी कर सकते हैं, इन्वरेक्स का जो एरोक्स का मॉडल है 3.2 किलोवाट का, और इसके अलावा जो नया मॉडल विरॉन सीरीज का है आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं कि इसकी जो सोलर कैपेसिटी है वो 4000 वॉट्स है, लेकिन जो 2020 का एरोक्स सीरीज का उसकी सोलर कैपेसिटी भी 4000 वॉट्स तक की थी, जो कि आप लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे जो ग्रीन कलर में आता था। और उसके साथ मैक्सिमम लोड आप लोग कितना ले सकते थे 3000 वॉट्स तक, लेकिन जो मेरी रिसर्च के मुताबिक है कि जो एरोक्स सीरीज का जो मॉडल है उसके साथ अब मैक्सिमम लोड 2800 वॉट्स तक जब वो जाता है तो वार्निंग शुरू कर देता है, इसके साथ आप 3000 वॉट्स तक का या 2900-3000 वॉट्स तक का मैक्सिमम लोड आप लोग चला सकते हैं। जो विरॉन सीरीज है 3.2 किलोवाट की जिसकी सोलर कैपेसिटी तो 5500 वॉट्स है, लेकिन मैक्सिमम
जो आउटपुट पे लोड ले सकते हैं वो 3200 वाट्स है, मतलब कि 3000 वाट्स ही है। अब बात कर लेते हैं कि एरोक सीरीज जो ग्रीन कलर का है, लेफ्ट साइड पे आप लोग देख रहे होंगे, तो उसकी प्राइस आजकल तकरीबन आप लोगों को कुछ 65 से 70,000 में देखने को मिलती है। अब विरोन सीरीज जो है, चाहे उसकी सोलर कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम पे तो आप लोग उतना ही उसके साथ लोड चला सकते हैं, तो एनर्जी लॉसेस के बाद आप लोगों को मिलते हैं वही 2900 से 3000 वाट्स ही हैं। तो उसकी जो प्राइस है विरोन सीरीज की 3.2 किलोवाट की, वो प्राइस आजकल है 82,000। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लो बजट सोलर इन्वर्टर है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। जिनका लो बजट है, जिनका हाई बजट है, आप लोग खुद कंपेयर करें कि कौन सी कंपनी कितने पैसों में क्या चीज़ दे रही है और आप लोगों को कौन सा सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। आजकल 2021 के उस लिहाज से जो है मैक्स पावर, टेस्ला और इसके अलावा क्राउन है, फ्रोनेस है, उनके इन्वर्टर्स भी अवेलेबल हैं। उनकी स्पेसिफिकेशंस को भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, प्राइस को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी इसकी तमाम तर वीडियो पसंद आए, इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसका जो 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों के सामने लाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।